जबलपुर में WCRU ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए रेलवे निजीकरण का विरोध किया है। वहीं उन्होंने बताया कि रेल मंत्री से इस संबंध में लगातार वार्ता चल रही है, जहां रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि रेल को निजीकरण नहीं किया जाएगा। ये बात सही है कि रेलवे की नीति है, रेल मंत्रालय की नीति है, भारत सरकार की नीति है कि सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपा जाए। उसके लिए निगमीकरण माध्यम हो सकता है, मुद्रीकरण माध्यम हो सकता है। अभी हाल में ही हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 1,52,000 करोड़ रुपए में रेलवे की 26% संपत्तियों को हम मोनेटाइजेशन करेंगे। लेकिन उनकी अपनी नीतियां हो सकती है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की नीति यह है कि हम रेलों को किसी भी हालत में जो है वो निजी हाथों में सौंपने नहीं देंगे, उनका मुद्रीकरण नहीं करने देंगे। इसलिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और अब की बार हम रेलवे के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम हर बड़े स्टेशन पर रेल बचाओ देश बचाओ समितियों का निर्माण कर रहे हैं। उनमें तमाम किसान, शिक्षक, दूसरे श्रम संगठन और बेरोजगार छात्र, स्टूडेंट, वकील, पत्रकार सभी को जोड़ करके हम देश के अंदर एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि सरकार आइंदा से रेलवे के बारे में, इसके मुद्रीकरण के बारे में, निजीकरण के बारे में या निगमीकरण करने के बारे में जो है वो सोचना बंद कर दें। किसान यूनियन एसोसिएशन से सबको एक मंच पर लाने का काम किया है, NCCRS को फिर जागृत करने का काम किया है।